आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए विंटर्स के कोल्ड और फ्लू का इलाज। आज बनाने वाली हूँ बेसन का शीरा, जिसे पंजाबी में सुड़का भी बोला जाता है। तो आप कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। स्वागत है आपका मेरी किचन में, जहाँ खाना प्यार से बनता है। और मैं हूँ आपकी दोस्त रूपम सेतिया। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। विंटर्स होते तो बड़े मज़ेदार हैं, लेकिन विंटर्स अपने साथ लेकर आते हैं कोल्ड एंड फ्लू, जो हिट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को और हमें लेने पड़ते हैं मेडिसिंस। इस विंटर्स आइए दोस्ती करते हैं इस बेसन के शीरे के साथ, जिसे रात को लेने से आपको कोल्ड एंड फ्लू में बहुत राहत मिलेगी। और ये इतना टेस्टी होता है कि आई एम श्योर योर फैमिली इज गोइंग टू लव इट। तो आइए, देर किस बात की है, शुरू करते हैं और बनाते हैं मेरी टेस्टी सी बेसन के शीरे की रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। जिस चम्मच से मैंने घी नापा था उसी चम्मच से नाप के मैं डाल दूंगी इसके अंदर 1.5 चम्मच बेसन। और अब हमने इस बेसन को अच्छे से भूनना है। मैं गैस की फ्लेम को कम कर रही हूँ और अब हम इसे सिम पे अच्छे से भूनेंगे। बेसन ने थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर दिया है, तो इसी स्टेज पे मैं डाल दूंगी इसके अंदर कुटे हुए बादाम। तो ये हैं ऑलमोस्ट 2 से 2.5 चम्मच बादाम। इन्हें भी इसी के साथ में अब मैं भून लूंगी। ध्यान रखिएगा, आपको इसे सिम पे ही भूनना है, आप इसको फुल फ्लेम पे ना भूने, नहीं तो बेसन बादाम सब जल जाएगा और आपको अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। बेसन को भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होके थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो गया है। तो अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर दूध। तो यहाँ मैंने 350 ml दूध लिया है और मैं इसे इसके अंदर डालूंगी और साथ साथ चलाती जाऊंगी। इसको बराबर चलाते जाएं। अब मैं गैस की फ्लेम को फुल कर रही हूँ ताकि इसमें एक उबाला अच्छे से आ जाए, उसके बाद फिर हम इसे सिम पे पकाएंगे। इन द मीन टाइम मैं डाल रही हूँ इसके अंदर इलायची पाउडर। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। जिस चम्मच से मैंने घी और बेसन को नापा था उसी चम्मच से नाप के मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1.5 चम्मच चीनी। बाकी चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपको कम या ज़्यादा कुछ करना है तो। बस इसको मिला के एक बॉयल आने तक मैं इसे फुल पे रखूँगी, उसके बाद हम इसको सिम पे पकाएंगे। इसे एक बॉयल आ गया है, अब मैं गैस की फ्लेम को कम कर रही हूँ। एक टिप और देना चाहूँगी, अगर आपके घर वाले खा सकें तो इसके अंदर ब्लैक पेपर या वाइट पेपर पाउडर भी डाल दें, वो इसको और भी हेल्दी बना देगी। मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरे बच्चे इसको नहीं खाते हैं, लेकिन अगर आप डालें तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स और अच्छे होंगे। ये दूध को सिम पे पकते हुए भी ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये गाढ़ा भी हो गया है। बस अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और ये मेरा हेल्दी बेसन का शीरा बिल्कुल तैयार है। आई होप ये सदियों पुरानी बेसन के शीरे की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करोगे और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ये आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली अमेजिंग रेसिपीज़ आपको भी मिल पाएँ। मैं जल्दी आती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।